कान के मलबे में कई लोग दबे हैं। बड़ी खबर मेरठ से, मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश भी लगातार जारी है। मेरठ की जाकिर कॉलोनी का ये पूरा मामला, तो मेरठ में दो मंजिला मकान भरभरा कर गिरा है, ये बड़ी खबर आपको बता दे। हालांकि भारी बारिश के कारण मकान गिरने की आशंका जताई जा रही है और कई लोग भी दब चुके हैं मलबे में, जिनको लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए निकालने की कोशिश भी की जा रही है। तो ये बड़ी खबर मेरठ से आपको बता दें, जहां बारिश के कारण मकान गिरने की आशंका जताई जा रही है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कपिल सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, क्या जानकारी मिल पा रही है मौके से? जी जी जी, बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लगातार पिछले 4 से 5 दिनों से बारिश हो रही है, उसके चलते कहीं ना कहीं जो मकान इमारतें और कहीं ना कहीं जो मकान है उसको गिरने की लगातार सूचना आ रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये लोहिया नगर थाना क्षेत्र का जाकिर कॉलोनी है, गली नंबर 7 है, जहाँ शाम के वक्त अचानक 3 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। इस दौरान वहाँ हड़कंप मच गया, तेज धमाके के साथ लोगों में दहशत का माहौल हो गया कि आखिर क्या हुआ ऐसा। तो जब बाहर आकर देखा लोगों ने, तो बताया जा रहा है जो मकान का मालिक है वो कुछ गाय भैंसों का डेयरी चलाता था, जिसके चलते अचानक जो बारिश में पुरानी इमारत थी वो गिर गई, और अचानक इमारत गिरने से करीब दस के करीब जो लोग हैं, उसमें महिलाएं और बच्चे ही बताए जा रहे हैं, 10 जो लोग हैं उस मलबे में दबे हुए हैं। तत्काल प्रभाव से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और उनका कहना है कि जल्दी रेस्क्यू टीम लोगों को बचा लेगी। इस समय हमारे साथ कुछ लोग भी, इनसे बात कर लेते हैं। भाई बिल्कुल, क्या कहना भाई साहब, कहाँ के रहने वाले हैं भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे, कैसे करेंगे? पता नहीं भाई साहब, नहीं बड़े भैया जी बेटे कहने ये चाह रहे हैं, ये एक छज्जा बिल्कुल खराब है और आप कृपा करके इधर आ जाइए, आप उधर ले लो जी। कुछ दरअसल कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो मकान है वो काफी पुराने हैं, जिसके चलते जो मकान गिरने का सिलसिला पहले भी यहाँ हुआ था, और अब जो है ये 3 मंजिला मकान जो गिरा, इसमें करीब 1 दर्जन लोग, करीब 10 लोग जो है वो दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि रेस्क्यू टीम जो है लगातार बचाव और राहत का काम कर रही है, लेकिन अभी किसी भी व्यक्ति को निकाला नहीं गया है, कोई भी बच्चा या कोई महिला है मलबे के अंदर से निकाले नहीं गए हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जल्द ही सभी को निकाल लिया जाएगा, सुरक्षित निकाल लिया जाएगा, लेकिन जो रात और बचाव का कार्य लगातार जारी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासनिक अधिकारी जो है लगातार मौके पर नजर जमाए हुए हैं। इस समय हमारे सारे पुलिस अधिकारी और पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से बातचीत करने की कोशिश की जो है, उनकी तरफ से कुछ जानकारी दी जाए, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्या कुछ उनका कहना है, मौके पर स्थिति को कैसे काबू में करने की कोशिश की जा रही है। क्या चल रहा है, मशीन लग रही है? आ जाइए आप, अभी मैं आपसे बात कर रहा, तो देखिए जो हेलो सर, क्या चल रहा है, कपिल आपकी आवाज आ रही है? कपिल, चूंकि देखिए यहाँ पर भारी बारिश के कारण ये बिल्डिंग गिरने की आशंका जताई जा रही है, क्या प्रशासन की ओर से पहले ही यहाँ जो लोग रह रहे थे उनको सतर्क नहीं किया गया था? क्या बिल्डिंग की हालत को लेकर पहले ही कोई ऐसी एडवाइजरी नहीं जारी की गई थी, ताकि लोग पहले ही समय रहते वहाँ से सुरक्षित जगह पर पहुँच जाते? बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर राहत का सारा काम हो रहा है, जैसा आप देख रहे हैं एक मशीन भी मंगवाई गई है जो अंदर पोकलेन छोटी मशीन आ सकती है, साथ ही में हमने यहाँ पर काटने के लिए भी मशीन की व्यवस्था की है, लाइट क्योंकि अब अंधेरा होता जा रहा है, लाइट की व्यवस्था, और साथ ही में बारिश की वजह से तिरपाल भी मंगवाया जा रहा है, तो यहाँ जितना हो सकता है हम उतना करने की पूरी कोशिश में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा के निकाल सके। तो माना जा रहा है कि जल्दी जो है रेस्क्यू टीम जो है रात और बचाव के कार्य के जरिए लोगों को सामने ही है, हमारी पूरी कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी उनको निकाल लेंगे। तो ये सीडी और रिपोर्ट गोयल थी, जिनका कहना है कि राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जेसीबी मशीन और जो उसके मशीनों के जरिए जो मलबा है उसे हटाया जा रहा है, और लगातार जो है कोशिश की जा रही है रेस्क्यू के द्वारा महिलाएं और बच्चे जो भी संभवतः हो उन्हें निकाला जाए, ताकि जो लोगों की जान समय पर बचाई जाए। इसके अलावा एम्बुलेंस भी सारी बाहर खड़ी कर दी गई है, लोगों की भीड़ को भी पुलिस लगातार हटा रही है, लगातार पुलिस और प्रशासनिक और रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही है, लेकिन अंधेरा होने के चलते मैं आपको ये बता दूं कि बारिश हो रही है, लगातार बारिश होने के चलते भी कहीं ना कहीं जो परेशानी पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के सामने आ रही है, ये भी बड़ी बात है कि पुलिस के सामने। कमिश्नर मैडम हमारे साथ है, इसलिए बात कर लेते हैं। कमिश्नर मैडम, मैम लाइव है, थोड़ा बताइए क्या चल रहा है मैम, रेस्क्यू? हाँ, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एक बिल्डिंग में कई लोग दब गए हैं, लगभग 8 लोग बता रहे हैं, तो उसी का हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितना कर सकते हैं। हाँ, कितने लोग दबे हैं मैम? लगभग 8 लोग बता रहे हैं, उनके परिवार वाले, 2-3 लोग दूसरे घर में थे वो तो नहीं है, बाकी परिवार के ही लोग है उसमें। राहत बचाव के लिए कितनी टीमें लगाई हैं? यहाँ पे पुलिस का टीम, फायर का टीम चल रहा है, बाकी हम लोग मशीनरी वगैरह मंगा लिए हैं, और NDRF SDF सब टीम्स भी आ रहे हैं, तो अभी कर रहे हैं। माना जा रहा है जल्दी ही जो लोगों को बचाने के लिए जल्दी कर लेंगे। देखिए आप देख सकते हैं मेरे पीछे कमिश्नर मैडम जो है खुद आ गई है, कमिश्नर सेलवा कुमारी जे, DM दीपक
तक मीणा चुकी। देखिए मौके पर तमाम अधिकारी मौजूद हैं, थोड़ा समय और लग सकता है, आप नजर बनाए रखिएगा।